कल दिल्ली में 25,986 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 31.76%। दिल्ली में पिछले 10-12 दिन से 20,000 से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं, और परंतु एक थोड़ा सा आशा की किरण ये नज़र आती है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी 35% पे गई थी पिछले 4 दिन पहले, उसके बाद से फिर वो लग तो ऐसा रहा था कि शायद ये 40-45 को भी क्रॉस करेगी, उसके बाद थोड़ा रुक गई है। अब जैसे थोड़ा घटते हुए 31.76 32 से नीचे आई है, और उसके साथ साथ जो रेट है, जो खा ये तो RT-PCR में हम जितने भी टेस्ट करते हैं सिम्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं, रेट के अंदर हर तरह के टेस्ट होते हैं। तो जो ग्राफ है मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, देखिए पॉजिटिविटी जो है ये 10-day पॉजिटिविटी है, जो ये चल रही है ये डेली की पॉजिटिविटी है। तो पिछले डेढ़ महीने में कभी भी जो डेली पॉजिटिविटी है ये 10-day एवरेज से नीचे नहीं गई, ये अब जा रही है 3 दिन से। तो एक आशा की किरण नज़र आती है कि ऐसा लगता है कि शायद अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी दिल्ली में कम होगी, ऐसा नज़र आता है। और ये दूसरे चार्ट में भी आप देखना चाहेंगे तो दिखा देता मैं आपको, ये इसके अंदर आप देखेंगे ये रेट है, ये एवरेज है, और ये RT-PCR, तीनों का कर्व जो सीधा ऐसे चढ़ रहा था अब नीचे उतरना स्टार्ट हो गया है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ी सी आशा की किरण नज़र आती है पिछले 2-3 दिन से, 3-4 दिन से, कि दिल्ली में लगता है केसेस अब धीरे धीरे टेपर ऑफ होना स्टार्ट हुए हैं। और सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक वक्त था कि आप लोग 1,14,000 तक टेस्ट करते थे, धीरे धीरे वो कम हो गया। नहीं, इस पे सवाल उठ रहे हैं कि 27% तक आपने टेस्ट, नहीं ऐसा कुछ कम नहीं किया है। लॉकडाउन होने की वजह से मूवमेंट थोड़ी कम हो गई है। पहले क्या था कि जितने भी हमारी हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थे, वहाँ पर भी टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पर फुटफॉल थोड़ा कम हो गया। तो अब फुटफॉल कम हो गया तो उनकी उसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज टेस्ट सबके हो रहे हैं। सर कल जो आया हेल्थ बुलेटिन, मैं बता देता हूँ कि हेल्थ बुलेटिन बिल्कुल ठीक था, परंतु उसमें जो नीचे वाला टोटल करते हैं क्यूमुलेटिव टोटल, आप देखेंगे ऊपर सारा बिल्कुल ठीक था, क्यूमुलेटिव टोटल में एक थोड़ी गलती हुई थी कि वो एक दिन पहले में जोड़ना होता है, उसको उससे पहले दिन में जोड़ दिया गया था, ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया गया। सर एक तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला 18 से अवर एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है, और वैक्सीनेशन एनफ है कि उस एज के ग्रुप को वैक्सीन? नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है, अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य है जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली उसमें है? नहीं कर सकता। अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। एक दिन का ही समय बचाएंगे, वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। सर मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिएगा ये कोई राजनीति का समय नहीं है, आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है, जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी नहीं छुपाएगी ना छुपाई जाएगी। सर एक हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, जो डेली हेल्थ बुलेटिन आता है उसके हिसाब से अगर आप हॉस्पिटल के बेड और कोविड केयर सेंटर को जोड़ लें तो 6,000 से ज्यादा अवेलेबल है, इन दोनों में क्या अंतर? कोविड केयर सेंटर के अंदर देखियो, अभी जो इस बारी जो वेव आई है ये पहले 3 वेव से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे देखते थे, आप पुराना अगर निकालेंगे तो कोविड केयर सेंटर में बहुत सारे लोग होते थे, हजारों लोग कोविड केयर सेंटर में होते थे। इस बारी जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो कोविड केयर सेंटर में बहुत कम लोग हैं। इसलिए कल शाम को एक मीटिंग की थी आप लोगों ने, और कोशिश ये की गई है कि ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाया जाए और जो लोग होम आइसोलेशन में उनको भी व्यवस्था मिल पाए, उनको भी सुविधा मिल पाए। इस बार सबसे ज्यादा देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है, जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19,000 पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है। सर इस संघर्ष के बीच जब दिल्ली पूरे संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, जो ताकत है वो अब LG के पास पहुंच गई है पूरी तरीके से, क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा? आप देखते हैं कि काम पर, आपके काम पर कोई असर पड़ेगा? देखिएगा मैं तो ये कहता हूँ हम अपना काम करते रहेंगे,
और जनता के लिए जो भी हमसे करना है हम बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन अब फैसलों के लिए सर आपको उनकी राह देखनी पड़ेगी, लगता तो कुछ असर पड़ेगा दिल्ली, ये तो आप देखिएगा। बिल्कुल उसमें ऑर्डर में जैसा ही कहा गया कि LG से पास भेजने पड़ेंगे सारे फैसले। सर एम्बुलेंस दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा वजह से कोई परेशानी आपको लग रही है, होना शुरू हो रही है, कोई अड़चन है आपको? कल ऑर्डर आया है तो पता लगेगा, परंतु हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो भी अड़चन आएगी उसके बावजूद भी पूरा काम करेंगे। सर एम्बुलेंस दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, तमाम 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के 15,000-15,000 रुपए मांग रहे हैं एम्बुलेंस वाले, और कहा जाए तो एक तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं लाशों पर। नहीं देखिए, दिल्ली के अंदर जो कैट्स एम्बुलेंस दिल्ली सरकार चला रही है अभी भी, आज भी अभी भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, 102 नंबर पे आप करके बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी पर कुछ लगाम लगाने के लिए कुछ करेगी सरकार सर, क्योंकि प्राइवेट पर पर बहुत लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है और हालात इस तरीके से हो रहे हैं। दिल्ली लोकल में मुझे लगता है किसी को जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली लोकल में तो 102 चलती है, दिल्ली से बाहर की समस्या हो सकती है उसके लिए देखते हैं। सर 1,34,00,000 जो वैक्सीन ऑर्डर किया गया था, अभी देखिए, अभी जहाँ तक कन्फर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकन्फर्म पता है कि अभी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी कितनी वैक्सीन कब कब देंगी, तो तुरंत हम अभी तक शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला।